हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ गई हूँ वाइट पास्ता की रेसिपी। बिल्कुल मार्केट और रेस्टोरेंट पे जैसे वाइट पास्ता बनते हैं, वैसे हम लोग आज बना के रेडी करेंगे, वो भी कुछ मिनटों में और बहुत ही बेसिक स्टेप्स के साथ। आप पास्ता कई बार बनाते होंगे लेकिन वो बात नहीं आती जो रेस्टोरेंट के पास्ते में रहती है, तो आज हम लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं वाइट पास्ता। आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ रेसिपी शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम लोग बना के रेडी करते हैं टेस्टी और क्रीमी वाइट पास्ता बिना चीज़ का। सबसे पहले हम लोग पास्ता को बॉईल करेंगे, तो पास्ता बॉईल करने के लिए हम लोग एक पैन में वो बॉईल कर लेंगे। पानी जब तक बॉईल नहीं होगा हम लोग पास्ता बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें पास्ता डाल देंगे। पानी गर्म रहेगा तो पास्ता जो है नीचे चिपकेगा नहीं, इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। चलाने के बाद हम लोग इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे हम लोग का पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। उसके बाद हम लोग इन सबको अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि अंदर तक पास्ता नमकीन रहे। उसके बाद से हम लोग इसे लगभग 8 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग चलते हैं अपना व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं पास्ता बनाने के लिए। सॉस बनाने के लिए हम लोग एक पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग उसमें ऐड कर देंगे ऑयल, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड कर देंगे मैदा, मैदा और ऑयल दोनों सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मैदा अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ना लगे। मेन चीज़ क्या होता है वाइट पास्ता में, सॉस अच्छा होना चाहिए। सॉस जब अच्छा होगा तो हम लोग का वाइट पास्ता बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। सॉस ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली, परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम लोग का वाइट पास्ता बिल्कुल मार्केट जैसा बन के रेडी हो। तो ऐसे हम लोग इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिल भी जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए मैदा अच्छी तरीके से पक चुका है और अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे दूध, आप पहले से दूध गर्म करके भी ले सकते हैं या नॉर्मल दूध भी चलेगा। अब हम लोग दूध डालते वक्त इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। मेहनत का काम सॉस बनाने का होता है वाइट सॉस पास्ता में, आप सब तो कर लेते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगता है, इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। हम लोग गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे इस स्टेज पे और इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहेंगे। ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा होने लगेगा सॉस हम लोग का। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में हम लोग का सॉस बिल्कुल गाढ़ा बन के परफेक्ट सॉस बन के रेडी है। हम लोग का बेसिक जो स्टेप्स होता है सॉस बनाने में वो हम लोग का बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए ऐड कर रही हूँ ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो ये सॉस निकाल के साइड में भी रख सकते हैं बाद में बनाने के लिए, अगर आपको मन करे कि आपको शाम को खाना है या शाम को जब मेहमान आएंगे तब आपको बनाना है, तो आप बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दीजिएगा ताकि आप जब फिर से पास्ता बनाने जाएँ तो सॉस जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहे, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं पास्ता अच्छी तरीके से पक गया क्या। देखिए पास्ता भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। हमने यहाँ पे हम लोग बस यहाँ पे इसे 80% कुक किए हैं, ओवर कुक नहीं किए हैं। देखिए पास्ता अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब हम लोग इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, हम ठंडे पानी से धुल के साइड में रख देंगे। अब हम लोग एक पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल डालने के बाद अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी मन पसंदीदा वेजेस। मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, शिमला मिर्च लिया है और प्याज। मैंने यहाँ पे सारे वेजेस को स्क्वायर शेप में कट किया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम लोग थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। सारे वेजेस हैं वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे इसमें फिर से ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारीक कूटा हुआ काली मिर्च। आप चाहें तो काली मिर्च की पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक सब्जियों के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तब जब अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम लोग इसे साइड में कर देंगे। मैं सॉस में से थोड़ा सा सॉस साइड में निकाल के रख रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे या फिर शाम को यूज़ कर सकूँ। पास्ता बनाने के लिए इतना सॉस काफ़ी है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे सारी वेजेस, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम अभी मैं बिल्कुल मीडियम की हुई हूँ। सब्जी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे सॉस में, सॉस में जब सब्जी पड़ता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
अब से सिर्फ 2 मिनट के बाद हम लोग का पास्ता बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब हम सारी सब्जियों को और सॉस को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सारी एक एक पास्ता में सॉस एकदम ऐसे लिपट गया है, जैसे खाने के बाद तो भाई मज़े ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये सॉस इतनी अच्छी तरीके से हम लोग बना के रेडी किए थे, ना ही हम लोग को चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी और चीज़ की, बिना ही चीज़ का ही चीज़ ही लग रहा है। तो लो जी, बातों ही बातों में हम लोग का पास्ता भी बन के रेडी हो गया और पता भी नहीं चला। अब हम लोग सर्विंग प्लेट में सर्व और खाएंगे गर्मा गर्म वाइट पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ऐसे एक बार पास्ता घर पे बना के ट्राई करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप मार्केट और रेस्टोरेंट का ये जो पास्ता का टेस्ट है वो भूल जाओगे, आप घर पे ही बना के खाने वाले हो। आपका पास्ता ऐसे बन के रेडी होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने चीज़ का यूज़ किया ही नहीं है इसमें। आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।